दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय इस्तः न्यूज। महाराष्ट्र में मतदान के बीच में अब जो है अचानक से एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और साथ में ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। साथ में ही उद्धव ठाकरे गुट के सांसद नेता संजय राउत ने भी इस पर जमकर निशाना साधा है। जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में मतदान के बीच बिटकॉइन को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी रवीन्द्रनाथ पाटिल द्वारा सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। और अब जो है इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि विनोद तावड़े के कैश कांड से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। विनोद तावड़े के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो है कैश की जाकर लोगों के बीच में बांटे हैं। संजय राउत ने कहा, विनोद तावड़े से फोकस हटाने के लिए ये सब किया गया है। विनोद तावड़े पर घर का कोई भेदी है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने उनका गेम बजा दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पूरे मामले में विनोद तावड़े का ही नाम आखिरकार क्यों आया, ये भी सवाल उठता है। बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रवीन्द्रनाथ पाटिल ने मंगलवार को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए बिटकॉइन की हेरा फेरी का यूज किया है। पूर्व अधिकारी पाटिल ने यह भी आरोप लगाया कि बिटकॉइन से कैश का उपयोग महाराष्ट्र में वर्तमान चुनावी कैंपेन में किया गया। उन्होंने पूरे घोटाले का ब्यौरा साझा करते हुए बताया कि साल 2018 के बिटकॉइन करेंसी घोटाले में फॉरेंसिक ऑडिट के लिए मेरी कंपनी केपीएमजी को अपॉइंट किया गया था, उसको मैंने लीड किया था। लेकिन अब जो है उनके द्वारा लगाए गए इस आरोप पर काफ़ी ज़्यादा जो है सियासत गरमाई हुई है और संजय राउत इसको डिफेंड करते हुए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे को हटाने के लिए दूसरा मुद्दा लाया गया है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।